Now let us begin with the next topic of this chapter, and the next topic is theorem number 2. This theorem is a direct consequence of the basic fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic has given you another theorem, which is if p is a prime number and a is some positive integer, then if p divides a square, then p also divides a. Now if p divides a square means what? Means p is a factor of a square. यहाँ से हमें क्या पता चलता है? अगर p divides a square, then p should be a factor of a square. Similarly, because of this, what we have to prove? P divides a, that is p is also a factor of a. Now let us see the proof of this theorem. हमें क्या दिया है? A is a positive integer. If a is a positive integer, then we can write that let a equal to p1 into p2 into p3 into pn, where p1 comma p2 comma p3, this all are prime factors of a. नाउ हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये चीज़ ऑलरेडी देखी है क्या कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म दैट इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स और वो प्राइम नंबर्स सारे यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्स. सो हमने यहाँ पे उसी फंडामेंटल थ्योरम से शुरुआत की है. A is a composite number which can be written as a product of its prime numbers, where p1, p2, p3, pn all are prime factors. So, अब क्या कहेंगे? Now we will do the squaring. अगर squaring किया तो क्या मिल रहा है? A square equal to p1 into p2 into p3, it will be pn. And this whole term again multiplied by p1 into p2 into p3 pn. हमने स्क्वेयरिंग है मतलब हमने उसे दो बार मल्टीप्लाई किया तो फाइनली वील बी गेटिंग p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर pn स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर, ये बन गया. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर. अब वहां से शुरू करते हैं. इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर हमें ऑलरेडी दिया है. इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देन पी इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p should be one of the factor of a square. p divides a square, तो यहाँ से ऐसा conclusion हो रहा है कि अगर वो चीज़ a square को divide कर रही है तो मतलब it should be one of its prime factor. लेकिन उसके prime factor हमने देखे हैं p1 to pn. तो यहाँ से हमें और क्या conclusion मिल रहा है? It implies that p should be one of the values of p1, p2, p3 up to pn. लेकिन अगर p is one of this value, जो हमने अभी दिखाई है कि p should be one of this value,
दिस वैल्यूज आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ ए, इम्प्लाइज दैट इफ पी इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी वन, देन यहाँ पे क्या होगा, फिर पी इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए. ओके, ये जो वैल्यूज लिखी है पी वन टू पी एन वही ए की भी फैक्टर्स हैं, इसलिए अगर p उनमें से एक कोई वैल्यू है तो p वो वैल्यू a की भी फैक्टर आ जाएगी, और कोई चीज़ अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो वो चीज़ उसे डिवाइड भी कर लेगी. हेंस p विल डिवाइड a ऑल्सो. अब वही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी है. द नेक्स्ट टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हमें इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी काफ़ी टाइम आते हैं. यू विल डेफिनेटली गेट वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक वेयर वी हैव टू प्रूफ अ नंबर टू बी अ इरेशनल नंबर. अब ये जब इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस या एक टेक्निक यूज़ करने वाले हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर. अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, वी गेट रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी. हमने पहले भी देखा था रैशनल नंबर के डिस्कशन में कि रैशनल नंबर्स हम कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, वेयर A and B are coprime numbers. और second condition क्या थी, B that is your denominator should not be equal to zero. तो हमने शुरुआत कैसे की है irrationality प्रूफ करने के लिए, हमने पहले assume किया है let it be a rational number. फिर हमने rational number है इसलिए कौन से form में लिख दिया है, P by Q form. यहाँ पे हम a by b लिख रहे हैं, लेट रूट टू बी इन द फॉर्म ऑफ a by b, वेयर जो फॉर्म में दो कंडीशन क्या है, बोथ a एंड b शुड बी को प्राइम नंबर्स और b दैट इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. अब ये को प्राइम का डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं. को प्राइम नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हमने देखे थे कि जिनके सिर्फ वन या नंबर इटसेल्फ जो फैक्टर होते हैं. यहाँ पे क्या है, कोप्राइम नंबर्स मतलब ए कॉमा बी जो दो नंबर लिए हैं हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बोथ हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर. जो दो नंबर लिए हैं ए कॉमा बी, उन दोनों में सिर्फ वन इज़ द कॉमन फैक्टर. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, टू कॉमा थ्री मतलब ये फ्रैक्शन क्या हुआ, टू बाई थ्री. अगर टू बाई थ्री फ्रैक्शन है तो जो दो नंबर्स हैं वो क्या है, टू एंड थ्री. अब टू एंड थ्री दोनों क्या है, बोथ टू कॉमा थ्री आर प्राइम नंबर्स, इसलिए दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, टू और थ्री में ओनली वन इज कॉमन फैक्टर. ये तो हो गया क्योंकि दोनों प्राइम नंबर थे, इसलिए
दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन मिला है, लेकिन लेट अस टेक सम कंपोजिट नंबर्स से 4, 9, तो ये फ्रैक्शन क्या है 4/9। इस 4/9 फ्रैक्शन के लिए अगेन इवन दो 4 के फैक्टर्स अब निकलेंगे, क्योंकि ये 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो फैक्टर्स क्या है 2 × 2। 9 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे 3 × 3। तो दोनों कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन 4 और 9 इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन फैक्टर है क्या कोई? नहीं है, दोनों का बोथ 4 और 9 डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर, सो देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली वन इज देयर कॉमन फैक्टर। तो ऐसे जो पेयर हैं, जो जोड़ियां हैं, उन्हें हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, वो नंबर प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, या बोथ कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, या एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर, पेयरिंग कैसी भी हो सकती है, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ वन होना चाहिए। अगर दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है तो हम कहेंगे इज़ अ कोप्राइम नंबर। और सेकंड कंडीशन हमें पता है बी, दैट इज़ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, द नंबर विल बिकम इनवैलिड। तो ये जो पार्ट है वो हमें याद रखना है, हमें वापस प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू किया हमने, टू प्रूव इट इरेशनल नंबर, हमने पहले क्या लिया है, लेट इट बी अ रैशनल नंबर सो दैट इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स, मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है आगे हम देखेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट 2 = a² / b². अब क्या करते हैं, 2 के यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, बी स्क्वायर वहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, b² = a² / 2। अब ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। नाउ जो हमने अभी थ्योरम देखा था कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 इज़ फैक्टर ऑफ ए। ये चीज़ हमने फैक्टर ऑफ दिखाने के लिए इस्तेमाल की है स्ट्रेट लाइन, सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर को वो डिवाइड कर पा रहा है, मतलब 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो वही हमने लिख दिया 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और अगर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो हमने जो थ्योरम में देखा था कि अगर 2 इज़ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन 2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, यहाँ से हमें कॉन्सिक्वेंस या एंड रिजल्ट क्या मिला है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, इसे अगर हम कहेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप थी, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम, अब कहेंगे लेट ए इक्वल टू सम वैल्यू 2k। फिर अब क्या करना है, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन योर अबव इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2k² / b²। अब फिर इससे क्या मिलेगा, b² = ये क्या हो जाएगा, 4k² / 2, मतलब 2k², और यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिल रहा है, b² / 2 = k². सही है, हमें फाइनली हमने क्या किया कि हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिला था a² / 2, यहाँ पे हमें b² / 2 के फॉर्म में लाना है, इसलिए पहले हमने a = 2k यूज़ किया। 2k यूज़ क्यों किया, क्योंकि अभी हमें पता है कि 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a, तो हम लिख सकते हैं a = 2k।
वेयर के इज एनी नंबर। अगर मेरे पास 8 है और 8 में मुझे पता है कि 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2k। अब अगर मैं k की वैल्यू सॉल्व करूँगा तो कितने आएगा, 8/2 मतलब 4। सही बात है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं और कह सकते हैं क्योंकि इफ़ इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर देन कैन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। तो यही हमने किया कि अगर 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a देन a इज़ इक्वल टू 2k, फिर इस फॉर्म में लिख दिया है हमने, ये रफ करेंगे तो इससे हमें क्या कंक्लूड किया हमने कि अगेन सेम कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेश में कि सिंस नाउ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वेयर इम्प्लाइज दैट 2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी, और ये अगेन हमें कहाँ से मिला है, बाय थ्योरम नंबर 2। चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस यू हैव गॉट फ्रॉम थ्योरम 2। ये भी चीज़ हमें कहाँ से मिली है, कहाँ से प्रूफ किया है, फ्रॉम थ्योरम 2। और थ्योरम 2 क्या है, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे हम चाहे तो थ्योरम 2 का पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हमें यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, फिर हमें इस चीज़ को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ध्यान से देखने पे क्या मिलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें ए के फैक्टर्स में भी 2 मिल रहा है और बी का भी वन ऑफ द फैक्टर 2 मिल रहा है। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। लेकिन ये चीज़ गलत हो गई क्योंकि ए एंड बी तो हमने को प्राइम नंबर्स एज्यूम किए थे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए कॉमा बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स इम्प्लाइज दैट रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हमें कैसे किया हमने ए और बी को कोप्राइम नंबर्स नहीं है ये प्रूफ कर दिया क्योंकि हमने 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी दिखाया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था कि रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये गलत हो गया या फिर हमने उसे गलत साबित कर दिया। तो रूट 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अगर रूट 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर तो जो नंबर रैशनल नहीं हुए हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर। तो फाइनली हमें क्या मिला है, फाइनल आंसर यहाँ पे जगनी में ऊपर लिख रहा हूँ दैट रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। तो ये हमारा फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। ये चीज़ हमें हर बार नहीं लिखनी, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे नोट था जो हमें साइड में हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेना है। बाकी हमने प्रोसेस कैसे किया, फर्स्ट स्टेप अगर हम कहेंगे तो फर्स्ट स्टेप के हमें एज्यूम करना है इट बी अ रैशनल नंबर, फिर उस फॉर्म में लिख लेना है जहाँ पर हमें दो कंडीशन भी ठीक से लिख लेनी है। फिर सेकेंड प्रोसेस फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने स्क्वेयरिंग करके 2 इज़ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर मतलब 2 इज़ द फैक्टर ऑफ ए, ये हमने कंडीशन में ऑप्टेन कर ली। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सिंस 2 इज़ अ फैक्टर तो ए इज इक्वल टू 2k लिख लेंगे। फिर अगेन 2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी, ये भी दिखा देंगे। तो ये होगी थर्ड स्टेप। और फिर लास्ट स्टेप में दोनों से हम ये दिखाएंगे कि सिंस 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, तो दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, मतलब हमारा एजम्पशन जो रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर था वो गलत है, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। और फाइनली हमें आंसर मिलेगा इट इज़ अ इरैशनल नंबर। ये चीज़
फर्स्ट टाइम है इसलिए नहीं लगेगी, जब हम इसे और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आसान हो जाएगी।